हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग नो मैन और फॉरेन का स्टडी करेंगे, जिसे जेम्स क्रिकप ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं जेम्स क्रिकप के बारे में बताता हूँ। जेम्स क्रिकप 23 अप्रैल 1918 में इंग्लैंड के डरहम में पैदा हुए। वह लंदन के ग्रामर स्कूल में एक शिक्षक थे। इसके साथ साथ अंग्रेजी कवि, अनुवादक और यात्रा लेखक थे। उन्होंने आत्मकथा, उपन्यास और नाटकों सहित 30 से अधिक पुस्तकें लिखी। 1962 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के फेलो बन गए। 10 मई 2009 में इनका देहांत हो गया। अब मैं कविता का समरी बताता हूँ, सारांश बताता हूँ। यह कविता नो मैन आर फॉरेन कहती है कि सभी मानव समान हैं, पृथ्वी के सभी मानव भाई हैं तथा बहुत ही समानता है। हम सभी को धूप, हवा, पानी और शरीर को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। खेती से हमें भोजन मिलता है तथा मृत्यु के पश्चात हम एक समान तथा मृत्यु के पश्चात हम एक समान रूप से एक ही जमीन में दफना दिए जाते हैं। हम समान कार्य करते हैं। हम सब पृथ्वी पर सोते हैं तथा उठते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं तथा दूसरे से प्यार की अपेक्षा करते हैं। हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करके हम पृथ्वी की समरसता को नष्ट करते हैं। हम ही उस वायु को प्रदूषित करते हैं जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। वायु को प्रदूषित करने के क्रम में हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि इसका दूसरों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब मैं इस पोयम को लाइन बाय लाइन बताता हूँ। नो मैन आर फॉरेन, जो मैन है वह मैन का प्लूरल नंबर है, बहुवचन नंबर है। नो मैन आर फॉरेन, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी या परदेशी। नो मैन आर फॉरेन का मतलब हुआ कोई व्यक्ति परदेशी नहीं है, कोई व्यक्ति परदेशी नहीं है। जेम्स क्रिकप ने इसे लिखा है। लाइन बाय लाइन देखते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। रिमेंबर मीन्स याद रखो, रिमेंबर मीन्स याद रखो। नो मैन आर स्ट्रेंज, जो मैन है मैन का बहुवचन है। याद रखो नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है। स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, याद रखो कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश, कंट्री देश। नो कंट्रीज कोई भी देश फॉरेन परदेश नहीं है। मतलब वह कह रहे हैं कि याद रखो नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश परदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ बीनीथ में से नीचे, देखिए बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। देखिए कहा जा रहा है कि सभी ऑल सभी वेशभूषाओं के नीचे, बीनीथ में से नीचे, सभी वेशभूषाओं के नीचे हमारी शरीर
सभी वेशभूषाओं के नीचे हमारी एकमात्र शरीर सांस लेती है। देखिए बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, मतलब सभी यूनिफॉर्म्स सभी वेशभूषाओं के नीचे एक सिंगल और सिंगल एकमात्र शरीर ब्रीथ्स सांस लेती है। लाइक आवर्स, देखिए लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, लाइक आवर्स मतलब ये कहा जा रहा है कि जिस भूमि पर हमारे भाई चलते हैं, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक, जिस भूमि पर हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, मतलब हुआ कर रहे हैं कि जिस भूमि पर हमारे भाई चलते हैं वॉक, जिस भूमि लैंड भूमि पर हमारे भाई वॉक चलते हैं, वह भूमि हमारी पृथ्वी जैसी ही है, इज अर्थ वह भूमि हमारी पृथ्वी जैसी ही है, इस पृथ्वी पर मरने के बाद हम दफना दिए जाते हैं, लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, यानी इस पृथ्वी पर मरने के बाद वी शैल लाई हम लाई दफना दिए जाते हैं। तो इस तरह से है, आपने इसकी मीनिंग समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट में बताता हूँ। दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, मतलब वे भी धूप सन धूप एयर वायु वाटर पानी जल से पूर्व परिचित हैं। अवेयर ऑफ पूर्व परिचित, मतलब कहा जा रहा है कि वे सभी लोग सन धूप एयर वायु वाटर हवा इस सभी चीज़ों से वे लोग भी अवेयर ऑफ हैं, परिचित हैं। आर फीड बाई पीसफुल हॉर्वेस बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टॉप्ड, आर फीड बाई मतलब कहा जा रहा है कि उनको आर फीड बाई पीसफुल हॉर्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर्स स्टॉप्ड, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसा कि वे शांति से फसलें उत्पन्न करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि फेड बाई पीसफुल हॉर्वेस्ट मतलब पीसफुल वे शांति से फसलें उत्पन्न करते हैं, उनको एकत्र करते हैं, उन फसलों को उत्पन्न करते हैं, उनको एकत्र करते हैं और उनकी उपज द्वारा अपना पोषण करते हैं और उनकी उपज द्वारा अपना फीड पोषण करते हैं। वार्स लॉन्ग विंटर स्टॉप्ड, कहा जा रहा है कि जब युद्ध लंबे समय तक चलता है, जब युद्ध लंबे समय तक चलता है तो उनकी लंबी सर्दी में वे भूखे मरते हैं। कहा जा रहा है कि जब युद्ध वॉर लंबे समय तक चलता है तो वे उन सर्दियों में वे भूखों मरते हैं, स्टार्व्ड भूखों मरते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रेड, देयर हैंड्स आर आवर मतलब कहा जा रहा है कि उनके हाथ हमारे हाथों जैसे हैं, देयर हैंड्स आर आवर्स उनके हाथ हमारे हाथों जैसे हैं, एंड और
इन देयर लाइन्स, मतलब कहा जा रहा है कि और उनके हाथों की लकीरों को पढ़िए, एंड इन देयर लाइन्स वी रेड, करें कि और उनके हाथों की लकीरों को पढ़िए। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, मतलब वह यह कह रहे हैं कि वे मेहनत करने से बनी हैं, लेबर नॉट, वे मेहनत करने से बनी हैं, जैसे हाथों पर बनी है। देखिए मतलब वो यह कह रहे हैं कि आप उनके हाथों के लकीरों को पढ़िए। देखिए लाइन्स वी रेड, आप उनके हाथों के लकीरों को पढ़िए, वे मेहनत करने से बनी हैं, जो ये लकीरें हैं उनकी हाथों की, वे मेहनत करने से, लेबर, वे मेहनत करने से बनी हैं, जैसे हाथों पर वे बनी हैं, अर्थात जैसे वे हाथों पर बनी हैं, वे सभी के सभी मेहनत करने से बनी हैं। नेक्स्ट, रिमेंबर दे हैव आईज, याद रखो, रिमेंबर याद रखो, दे हैव आईज मतलब उनकी भी आँखें हैं, लाइक आवर्स याद रखो, उनकी भी लाइक आवर्स हमारी जैसी आँखें हैं। दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, देखिए वे हमारी तरह से जागते हैं। आवर्स दैट वीक मतलब वीक में जागना, वे हमारे तरह से जागते हैं, एंड स्लीप और स्लीप या सोते हैं, मतलब वे भी हमारे तरह से जागते हैं, हमारे तरह से सोते हैं, एंड स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ दैट कैन वॉन, और याद रखिए प्रेम के द्वारा शक्ति को वे जीतते हैं। स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन मतलब कहा जा रहा है कि और वे प्रेम के द्वारा, प्रेम के बदौलत वे शक्ति को जीतते हैं, शक्तिवान बनते हैं। बाई लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, मतलब वह कहना कि सभी देशों में एक जैसा जीवन है। इन एवरी लैंड प्रत्येक देश में, यहाँ लैंड का सेंस देश से है, प्रत्येक देश में कॉमन लाइफ एक जैसी जिंदगी है, एक जैसा जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और उस जीवन को सभी पहचानते हैं, और उस जीवन को सभी पहचानते हैं, एंड अंडरस्टैंड और समझते हैं। तो इस तरह से जो है आपने इसे समझ लिया है, जैसा कि लास्ट लाइन्स में कहा गया है कि दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज मतलब वे उस जीवन को पहचानते हैं, एंड अंडरस्टैंड और उसे समझते हैं। तो इस तरह से आपको इस पूरे का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए एक पूरे, इस पूरे को मैं आपको एक साथ बताता हूँ। देखिए इसमें कवि कहते हैं, याद रखो कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी देश प्रदेश नहीं है, सभी वेशभूषाओं के नीचे अपने शरीर के समान सांस लेते हैं। जिस भूमि पर हमारे भाई चलते हैं वह भूमि हमारी पृथ्वी जैसी ही है। इस पृथ्वी पर मरने के बाद सभी लोग दफना दिए जाएंगे, वे भी धूप वायु जल से पूरी तरह से परिचित हैं। वे शांति के फसलें उत्पन्न करते हैं और उनको एकत्र करते हैं,
इसके साथ साथ उस उपज द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं। जब युद्ध लंबे समय तक चलता है तो वे उसकी लंबी सर्दी में वे भूखे मरते हैं। उनके हाथ हमारे हाथ जैसे हैं, उनके हाथों की लकीरों को पढ़िए, वे मेहनत करने से बनी हैं, जैसे जैसे वह हाथों पर बनी है। याद रखिए, उनकी आँखें भी हमारी आँखों के तरह से ही हैं, वे हमारी तरह से जागते हैं, सोते हैं और प्रेम के द्वारा शक्ति को वे जीतते हैं। सभी देश में एक जैसा जीवन है, उस जीवन को सभी पहचानते हैं और उसका महत्व समझते हैं, उसका महत्व बताते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस पोसेसेस बिट्री कंडेम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। देखिए, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड, कहा जा रहा कि लेट अस रिमेंबर, आओ याद रखें, आओ याद रखें, रिमेंबर मीन्स याद रखना, लेट अस आओ याद रखें। व्हेन एवर कह रहा है जब कभी, व्हेन एवर मीन्स जब कभी, वी आर टोल्ड जब कभी हमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स अपने भाइयों से घृणा करने के लिए। देखिए, लेट अस रिमेंबर आओ याद रखें, जब कभी भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, आओ याद रखें जब कभी भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है तो इट इज आवर सेल्व्स, इट इज आवर सेल्व्स, तो हम स्वयं को, इट इज आवर सेल्व्स, हम स्वयं को दैट वी सेल डिसपोसेस, डिसपोसेस में होता है संपत्ति, डिसपोसेस में होता है संपत्ति से वंचित रखना, तो इट इज आवर सेल्व्स दैट वी सेल डिसपोसेस बिट्रे कंडेम, तो हम स्वयं को अपने भाइयों से वंचित करते हैं। देखिए, हम स्वयं को अपने भाइयों से वंचित करते हैं, देखिए अपने भाइयों से वंचित करते हैं, बिट्रे देखिए दिया है, बिट्रे स्वयं के साथ विश्वासघात करते हैं, कंडेम मतलब और स्वयं का तिरस्कार करते हैं, कंडेम मीन्स तिरस्कार करना, ठीक है। तो नेक्स्ट, रिमेंबर याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो हम एक दूसरे के साथ हथियार उठाते हैं, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो कि हम एक दूसरे के साथ हथियार उठाते हैं, हम एक दूसरे के लिए हथियार उठाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, नुकसान करने के लिए हम हथियार उठाते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स मानव, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, देखिए डिफाइल मीन्स होता है गंदा करना, मेक डर्टी गंदा करना, आवर हेल्स ऑफ फायर, हेल्स ऑफ फायर
का सेंस है युद्ध की अग्नि, आवर हेयर्स ऑफ फायर का सेंस है युद्ध की अग्नि, एंड डस्ट धूल, और ट्रीज द इनोसेंस। देखिए इट इज द ह्यूमन अर्थ, मतलब कहा जा रहा है इससे जो ह्यूमन अर्थ है, जो मानव जाति की पृथ्वी है, इससे गंदा हो जाती है, यानी हम मानव जाति की पृथ्वी को डिफाइल करते हैं। मतलब यदि हम ऐसा करते हैं तो हम मानव जाति के पृथ्वी को डिफाइल करते हैं, मतलब हम इसे गंदा करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, मतलब कहा जा रहा है कि हम युद्ध की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। वी हेल्स ऑफ फायर, हम युद्ध की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, हम युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, युद्ध की अग्नि को हम जलाते हैं। एंड डस्ट आउटट्रेंज द इनोसेंस, और धूल उड़ाते हैं, डस्ट और धूल उड़ाते हैं हम उस वायु को प्रदूषित करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि हम उस वायु को प्रदूषित करते हैं, जो वायु पूरे भूमंडल पर एक जैसी है। देखिए कहा जा रहा है कि हम उस वायु को प्रदूषित करते हैं जो पूरे एवरीवेयर, पूरे भूमंडल पर एक जैसी है। मतलब वह वायु जो हमारे प्राण के रूप में है, जो पूरी पृथ्वी पर एक जैसी है, उस वायु को हम गंदा करते हैं, उसे प्रदूषित करते हैं, उसे अपवित्र करते हैं। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई आदमी विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं है। स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, कोई भी देश अजनबी नहीं है। इस लास्ट टाइम की मीनिंग एक बार और समझिए। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है। फॉरेन विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई देश स्ट्रेंज अजनबी नहीं है। तो इस तरह से जो है आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। पूरे को मैं एक साथ बताता हूँ। देखिए इसमें बताया गया है कि आओ याद रखें, जब कभी भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, तो हम स्वयं को अपने भाइयों से वंचित करते हैं, स्वयं के साथ विश्वासघात करते हैं, और स्वयं का तिरस्कार करते हैं, और कहते हैं याद रखो हम एक दूसरे के साथ हथियार भी उठाते हैं। इससे हम मानव जाति की पृथ्वी को गंदा करते हैं, जो मानव जाति की पृथ्वी है, इससे ऐसा करके हम इसे गंदा करते हैं। जब हम युद्ध की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और धूल उड़ाते हैं, हम उस वायु की पवित्रता को प्रदूषित करते हैं, जो वायु पूरे वायुमंडल पर एक जैसी ही है। लास्ट में बताते हैं कि आप याद रखिए, कोई आदमी विदेशी नहीं है और कोई देश अजनबी नहीं है। तो इस तरह से आपको यह पोयम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।